गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक जो हमने किया था कंजम्पशन इन एडी एंड एएस। आज हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? कंजम्पशन फंक्शन की। अब वो क्या कहता है देखो, कंजम्पशन फंक्शन हम कहते हैं सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। यहां पे सी जो है वो कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है और वाई हम जानते हैं कि वो इनकम को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है जी? इनकम को। हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। क्या होता है जी? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब ये सी बार प्लस बी वाई क्या कहता है? सी बार प्लस बी वाई कहता है कि ये है हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या है बेटा? हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो हमने पढ़ा था, विच इज नीडेड फॉर सर्वाइवल। चाहे हमारी इनकम जो है वो जीरो हो जाए, फिर भी हमें ये खर्चा जो है वो करना ही पड़ता है। क्लियर है जी? उसके बाद आया हमारे पास बी। बी हम बोलते हैं इट इज इक्वल टू एमपीसी, जिसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हमें बताता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और हम जब इसको समझेंगे तो समझेंगे इन परसेंटेज टर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बी या एमपीसी की वैल्यू है 0.4, क्या है जी? 0.4। दिस मीन्स 40% ऑफ इनकम, 40% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, 40% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। अब जो एमपीसी की वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 0 और 1, किसके बीच में इसकी वैल्यू हमेशा आएगी? इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 0 और 1 के बीच में। ये बात समझ आ गई? क्लियर है जी? अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम इस कंजम्पशन फंक्शन का बेनिफिट कैसे उठाएंगे। क्लियर है जी? और वाई हम जानते हैं, वाई क्या है हमारा? इनकम। वाई क्या है जी? इनकम या नेशनल इनकम जिसको। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ये इक्वेशन आप प्लीज याद रखिएगा जो हमने करी, वो क्या है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब मैं यहां पर लिखूंगा क्वेश्चन और यहां उसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि वो क्या कहता है। हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज इनकम इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस बाय रुपीज 100 करोड़। इनकम जो है वो एक इकोनॉमी में बढ़ रही है 100 करोड़ करके, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। और हम कह रहे हैं कि हेयर वी नो दैट एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, एमपी इज इक्वल टू 0.8 विच इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है That is given to be 40. Fourth point जो हमें given है इस question में, वो क्या given है? कि हमें calculate करना है C, यानी कि calculate करना है consumption till income reaches rupees 500 crores, till income reaches rupees 500 crores। क्लियर है जी? तो मैं सबसे पहले इसने बताया कि इनकम 100 करोड़ से बढ़ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सेकंड एमपीसी 0.8 है, कंजम्पशन जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो 40 है, और हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन टिल इनकम रिचीज रुपीज 500 करोड़। तो अब हम देखते हैं इसका टेबल कैसे बनाएंगे, हमें क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें बेटा कहता है इनकम, इनकम इन रुपीज करोड़, तो इनकम स्टार्ट होगी हमारी 0, 100, 200, 300,
400 500, क्लियर है। इसने हमें बोला कि सी बार, हमारा सी बार है यहाँ पे 40, तो इसका मतलब हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी कंजम्पशन हो गई 40। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी हो गई 40। उसके बाद ही हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो एमपीसी है दैट इज 0.8 एट ऑल लेवल्स। तो मैं इसको एमपीसी को और सी बार को, अब इन दो चीज़ों को ध्यान रखूंगा और यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाल लूंगा कंजम्पशन की। अब वो वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इस इक्वेशन के थ्रू। अब मैं निकाल रहा हूँ जी कि मेरी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, मेरी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सी कितनी है, तो मैं वैल्यू डाल लूंगा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई की इक्वेशन में। सी बार है 40, बी है बेटा 0.8 और इनकम है मेरे पास 0, तो हमारे पास आ गया 40। देखिए ये मैच हो गया, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी कंजम्पशन कितनी है 40। सेकेंड, अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 100 में, एट 100 कंजम्पशन कितना है, कितना है जी देखो, सी बार प्लस बी वाई, तो इसका मतलब सी बार कितना है 40, बी कितना है 0.8, इनकम कितनी है 100, 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120, तो यहां पे बेटा हमारी वैल्यू आ गई 120, क्लियर है। थर्ड, अब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा कि जब मेरी इनकम है 200, एट 200 तो क्या आएगी, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो कितना आया इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 और इनकम है 200, तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस 160 इज इक्वल टू 200। अब चेक करेंगे एट इनकम लेवल ऑफ 300, तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार है 40, बी है 0.8 और इनकम है हमारी 300, तो ये हमारा कितना आ गया 40 प्लस 240 इज इक्वल टू आ गया बेटा 280, क्लियर है जी। अब कैलकुलेट करेंगे एट 400, एट इनकम इज इक्वल टू 400, तो क्या होगा हमारा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, 40 प्लस 0.8 और y कितना है 400, तो ये आ गया बेटा हमारा 360। अब कैलकुलेट करेंगे एट इनकम इज इक्वल टू 500, तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार कितना बेटे 40 प्लस 0.8 और इनकम आ गई 500, ये आ गया बेटा 440, ठीक है जी। ये आपको पता लग गया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं ये 0.8 की वैल्यू क्या है, ये जो हमने लिखा 0.8, इसका मतलब है बेटा याद करो, मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट डे एमओसी करते वक्त बताया था कि मार्जिनल अगर हम माइक्रो और मैक्रो में पढ़ेंगे तो इसका एक इंग्लिश मीनिंग है वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन जब हम इसको टेक्निकली पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वन एडिशनल। अगर एमआर है तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू हर एक रुपए या हर एक आउटपुट के साथ, हर एक सेल के साथ, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है पर यूनिट ऑफ इनकम। इसलिए हम एमपीसी का फॉर्मूला जो लिखते हैं दैट इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, कि कितना एडिशनल इनकम में चेंज आया उससे कितना एडिशनल हमारी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हुई। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मैं इस एमपीसी को यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो हम देखेंगे कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है एमपीसी 0.8 विच इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम वो साबित हो गया। देखो जी एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, गेस कीजिए देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर, वेरी इजी, हम करेंगे निल। अब आप बताइए चेंज इन सी कितना है 80 और चेंज इन वाई कितना है 100, चेंज इन सी कितना है 80 और चेंज इन वाई कितना है 100, तो इसका मतलब क्या हुआ
80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.8। अब आप फिर देखिए हमारा यहां पे कंजम्पशन कितनी चेंज हो रही है, 80, इनकम कितनी हो रही है 100, तो फिर से आ गया हमारे पास 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.8। यहां पे कितना चेंज है 80 और यहां कितना है 100, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.8। क्लियर है जी, कोई डाउट है? एंड सेम फॉर दिस, ये बात समझ आ गई? तो सारे लेवल्स पे हमारा एमपीसी क्या आया, सेम। इसका मतलब हर 100 रुपए इंक्रीज इन इनकम के साथ 80 रुपीज कंजम्पशन हमारी इंक्रीज हुई है। हर 100 रुपए इनकम इंक्रीज के साथ 80 रुपीज हमारी कंजम्पशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या आया, 0.8। इट मींस 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो आएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई। क्या आएगा जी? एग्रीगेट सप्लाई, पर हम उसको आज कवर नहीं करेंगे, हम उसको आज कवर नहीं करेंगे। क्लियर है? हम उसको करेंगे नेक्स्ट में कवर। तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस करके रखेगा। तो आज हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया जी कंजम्पशन फंक्शन, और इसके साथ हमने क्या देखा, हमने देखा एमपीसी की कैलकुलेशन कि अगर हमें कुछ फिगर्स गिवन हैं तो हम सी कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम उससे एमपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फॉर एनी डाउट्स गिव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।